बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इब्रहमान ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है कि ट्रेनिंग्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर, सिंध के एजुकेशन सिस्टम के अंदर। देखिए, जब भी आप हायर होते हैं या आपको PhD या JST या SST किसी किस्म की भी नौकरी मिलती है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, चाहे सिंध का हो, पंजाब का हो या किसी और सूबे का या दुनिया का एजुकेशन सिस्टम हो, तो उसके अंदर आपने एक इंडक्शन ट्रेनिंग लेनी होती है और गवर्नमेंट ने देनी होती है। और उसके लिए प्रोसेस ये होता है कि आपको 24 दिन के लिए आना होता है किसी भी एक हेड क्वार्टर को, जो कि गवर्नमेंट तय करती है कि किसी ज़िले को बनाया जाए या ज़िले के किसी जगह को बनाया जाए। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर जितने भी ज़िले हैं, अजला हैं, उनके अंदर एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, इंडक्शन ट्रेनिंग टीचर्स को दी जाती है, जैसे कि अभी दी जा रही हैं PhDs और JSTs को। तो PhDs की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। उसमें मसला एक ये है कि उसको ज़िले पे रखा गया है, उसको अगर रखा जाए टाउन यानी तालुका लेवल पे, तो उसमें हम आसानी पैदा कर सकते हैं टीचर्स के लिए भी और फिर स्कूल्स के लिए भी। सबसे बड़ा मसला स्कूल्स का है। स्कूल के अंदर पहले ही स्टाफ की शॉर्टेज है और अब तो मज़ीद हो गए हैं, और कुछ स्कूल्स के तो हेडमास्टर भी चले गए हैं ट्रेनिंग पर या बतौर ट्रेनर। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि ट्रेनिंग्स का जो निज़ाम है या जो ट्रेनिंग्स का जो एक स्केड्यूल है वो रखा जाए टाउन लेवल पे, और जो यूसीज़ हैं, जिन यूसीज़ के अंदर ज़्यादा स्कूल्स हैं, तो उन यूसीज़ के हवाले से भी रखा जाए कि उन एक ही यूसी के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, या ये सेट किया जाए कि कितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उस हिसाब से उतने स्कूल्स या उतने यूसीज़ या उतने टाउन्स के अंदर फिर जो है सेंटर्स कायम किए जाएँ ट्रेनिंग के। हमारे यहाँ क्या होता है कि ज़िले ही हेडक्वार्टर होता है और वहाँ पर आपने जाके ट्रेनिंग लेनी होती है। उसके अंदर अब जो लोगों को मसाइल पेश आ रहे हैं वो ये हैं कि लोगों के पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि अभी उनको कोई तनख्वाह जारी नहीं हुई। एक तो तनख्वाह नहीं जारी हुई, ऊपर से इतने बड़े बड़े एक्सपेंसेस, दो दो तीन तीन चार चार 500 500 हज़ार हज़ार तक का खर्चा आ जाता है डेली का। और गवर्नमेंट क्या देती है? गवर्नमेंट ने बहुत कम कंपनसेशन रखा है जो ट्रेनिंग के दौरान है, रिफ्रेशमेंट वगैरह या TA DA दिया जाता है, वो बहुत कम है, इनसफिशेंट है। पूरे ज़िले से लोग आते हैं और उसके अंदर आपका खर्चा भी नहीं आएगा, कोई आपने जो बड़ा खर्चा नहीं करना होगा। टाउन के अंदर या यूसी के अंदर आसानी से बंदे पहुंच सकते हैं, टीचर्स आ जाएं अपना, पहले जिस स्कूल में हैं उनकी अपॉइंटमेंट, वहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाएं, उसके बाद आके 2 घंटे की ट्रेनिंग लेके चले जाएं, 4 घंटे की ले लें, 5 घंटे की ले लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो तदरीसी अमल है वो मुतासर ना हो। हमारे यहाँ पहले ही तदरीसी अमल मुतासर हुआ है, पहले कोविड था, फिर जैसे ही नई भर्ती हुई तो छुट्टियां आ गई जून जुलाई की, और फिर बारिशों की वजह से मुतासर रहा, अब फिर फ्लड की वजह से काफ़ी स्कूल्स के अंदर पानी खड़ा है, तो जिसकी वजह से एजुकेशन एक्टिविटी मुतासर रही हैं। तो उनको सही करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो ट्रेनिंग्स का एक निज़ाम है वो हम रखें यूसी लेवल पर या टाउन लेवल पर, या दो दो यूसीज को इकट्ठा करके उनका एक ही सेंटर कायम किया जाए, दैट्स इट। तो सिंपल करने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करना होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सेक्रेटरी साहब को, सर गुलाम अकबर लगारी साहब, प्लीज़ टेक सम अटेंशन एंड टेक सम नोटिस एंड प्लीज़ वर्क ऑन दिस पॉलिसी। आप पॉलिसी लेवल पे या एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है उस पे थोड़ी नज़रसानी डालें। हो सकता है आपकी नज़र में कोई और इश्यूज़ हों जिनकी वजह से आप ज़िले ही हेडक्वार्टर को या ज़िले लेवल पर ट्रेनिंग देने को आपको लगता है कि वो बेहतर है, लेकिन आप थोड़ा इस पे देखें कि लोगों को कितनी तकलीफ़ आ रही है, उसके बाद आप लोगों को इतनी कंपनसेशन भी नहीं दे पा रहे हैं, और फिर आप सैलरी भी नहीं दे पा रहे। सैलरी के लिए आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, हमने जो ग्रेड रजिस्टर्ड नहीं किया, ये किया वो किया। तो प्लीज़ आप थोड़ा हमारा भी ख्याल करें। मर्द हजरात तो चलो फिर भी ठीक है, जो ख्वातीन के साथ मसले हैं यार, बेरोजगारी के साथ साथ वो इतना जाती हैं, इतनी मुश्किल, इतनी दुश्वारी का सामना करती हैं,
तो प्लीज़ आप उन पे थोड़ा सोचें। आपकी तो माशाल्लाह से सोर्स ऑफ इनकम और सारी चीज़ें होंगी, आपके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जिस पे गुजरती है उसको मसला है और उनको पता है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, आप बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और हौसला दे कि आप ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आएँ, ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लेके आएँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कि वाकई लगे कि ये सिंध का एक एजुकेशन डिपार्टमेंट या एक सिंध का एजुकेशन निज़ाम है। हम तो मानते ही नहीं कि कोई एजुकेशन सिस्टम भी है या नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल्स के अंदर ना टीओज आते हैं ना डीओज आते हैं, कोई मॉनिटरिंग कोई सुपरविजन नहीं है। टीचर क्लास लेता है नहीं लेता नो इश्यू, क्योंकि वो पॉलिटिकल है, वो उसका सोर्स है, वो फलाने का बंदा है इलाने का बंदा है। हमें लगे कि हम स्कूल में बैठे हों भाई, हमें लगे कि हम एक एक तालीमी इदारे में बैठे हों, हम किसी ओताक में नहीं बैठे हों। ये फ़र्क ना हो कि बच्चा स्कूल में आया है या किसी ओताक पे आया है या घर में बैठा हुआ है। एक एजुकेशनल माहौल हम पैदा करें, एक एजुकेशनल सेटअप पैदा करें। आप थोड़ी तवज्जो दें, स्कूल्स के अंदर माहौल नहीं है, कोई इन्वायरमेंट नहीं है। बच्चा एक आता है उसको फीलिंग्स होती हैं कि मैं स्कूल के अंदर आया हूँ। नजरिया हो, पोस्टर्स, डिज़ाइनिंग होती है, एक बिल्डिंग होती है। तो प्लीज़ आप इन पे काम करें, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और ख़ास तौर पे ट्रेनिंग के मामलों पे काम करें ताकि टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़े स्टूडेंट्स पर, बच्चों पर। और ऊपर से छुट्टियां आ रही हैं, पहले भी छुट्टियां काफ़ी हो चुकी हैं, दिसंबर की छुट्टियां आएंगी, फिर जनवरी के अंदर तदरीसी अमल मुतासर होगा, और फिर ऊपर से 2 महीने रख के फिर इम्तहान आते हैं, फिर 1 महीने के लिए आप खोलते हैं या 2 महीने के लिए, उसमें कोई तदरीसी अमल नहीं होता, बच्चे नहीं आते, फिर 2 महीने छुट्टियां हो जाती हैं। और इसके अलावा भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर काफ़ी छुट्टियां हैं और टाइम कम में 5 घंटे की नौकरी है, 6 घंटे की नौकरी है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ पे नज़रसानी करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।